आखिर इस अमेरिकन रैपर की वाथी में जड़ा करोड़ों का हीरा किसने निकाल लिया? और एक ऐसी महिला जो शादी के बाद 25 अलग अलग मर्दों के साथ भाग चुकी है, पर फिर भी पति हर बार माफ कर देता है, पर क्यों? और थाईलैंड के इस मंदिर में इतने बड़े लिंग का स्टैचू क्यों लगा है? और ये लड़की फिल्म गजनी के आमिर खान की तरह हर 2 घंटे बाद अपनी याददाश्त खो बैठती है, और जब समंदर में फोटो शूट करा रही इस महिला पर शार्क ने अचानक से कर दिया हमला, तो क्या हुआ आगे? यदि आप इन सभी फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20, मार्वल कॉमिक्स के सुपर हीरो विजन के माथे पर लगे इन्फिनिटी स्टोन से इंस्पायर्ड होकर अमेरिकन रैपर ली यूजी वर्ट ने भी अपने माथे पर एक पिंक डायमंड इम्प्लांट करवा लिया था। इस डायमंड की कीमत लगभग 175 करोड़ रुपए थी। इसी साल अगस्त महीने में ली एक म्यूजिक फेस्टिवल में स्टेज से फैंस के बीच चले गए, और इसी दौरान किसी ने उनके माथे से इस बेशकीमती डायमंड को निकाल लिया। डायमंड निकलने के बाद उनके माथे से खून भी निकलने लगा, लेकिन उन्हें अपने खून से ज्यादा डायमंड की फिक्र थी, एंड थैंकफुली उन्हें वो डायमंड वापस भी मिल गया। नंबर 19, थाईलैंड में एक ऐसा मंदिर है जहां चढ़ावे के रूप में लकड़ी, मेटल, प्लास्टिक और रबर से बने पेनिस चढ़ाए जाते हैं। इस मंदिर का नाम है चाओ माई चुप चिम मंदिर। इसे पेनिस श्रीन भी कहा जाता है। इस मंदिर में 10 फीट ऊंचा पेनिस का एक स्टैचू बनाया गया है। ऐसी मान्यता है कि जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते, तो अगर वो यहाँ आकर इस स्टैचू को छूकर इसकी पूजा करती है, तो फिर उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ आने वाले लोग अपने साथ पेनिस की आकृति भी लेकर आते हैं और उसे यहीं छोड़ जाते हैं। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 18, अगर शादी के बाद सबसे ज्यादा बार गैर मर्द के साथ भागने का वर्ल्ड रिकॉर्ड होता, तो फिर असम की एक महिला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा चुकी होती। असम के नागांव गांव के रहने वाली एक महिला अपनी शादी के बाद से 25 गैर मर्दों के साथ ससुराल से फरार हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि भागने के 10 से 15 दिन बाद ही वापस आ जाती है, और इसका पति और ससुराल वाले इसे रख भी लेते हैं। उसके ससुराल वालों ने तो 7 बार गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में भी दर्ज करवाई थी। हालांकि अब जब ये महिला 25वीं बार भागी है, तो तब पति के सब्र का बांध टूट चुका है, और अब उसने पत्नी के भागने की रिपोर्ट के साथ ही तलाक की अर्जी भी दाखिल कर दी। नंबर 17, दोस्तों कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, शायद इसीलिए देश में कई ऐसे रेलवे स्टेशन है जिनके नाम इतने अजीब है कि उन्हें सुनकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। चलिए हम आपको ऐसे ही कुछ मजेदार रेलवे स्टेशन के नाम बताते हैं। ओडनिया चाचा, ये रेलवे स्टेशन राजस्थान में है। शायद चाचा ने चाची की ओढ़नी ओढ़ ली थी। बिल्ली जंक्शन, ये स्टेशन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। शायद यहाँ बिल्लियाँ कुछ ज्यादा ही ट्रेनों का रास्ता काटती रही होंगी। नाना, ये जंक्शन राजस्थान में है। साली, ये भी राजस्थान में है। इस स्टेशन पर उतरने वाला बंदा अपने घर पर फोन करके क्या कहता होगा, हाँ भाई साली पर उतर चुका हूँ। दीवाना, ये स्टेशन हरियाणा के पानीपत में है। वैसे दीवाना से साले तक का सफर मजेदार होगा। नंबर 16, मॉडल मौली कावाली को बीच समंदर में अपना एक फोटोशूट करवाना था, जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन फोटोशूट के दौरान ही एक शार्क ने इन पर हमला कर दिया। शुक्र है केज की वजह से इन्हें कोई चोट नहीं आई और ये बच गए। नंबर 15, लंदन के एक रेस्टोरेंट के बॉस एलेक्सेंड्रो क्रेटिला ने कस्टमर्स के सामने ही वेटर सिंप्लिसियो की ओर घूमकर फाट मार दी। वेटर को इससे अपनी बेइज्जती महसूस हुई और उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल में जाकर बॉस के ऊपर केस कर दिया। वेटर का आरोप था कि बॉस ने फाट मारकर उसे अपनी टट्टी भी दिखाने की बात कही थी, जिससे उसकी बेइज्जती हुई और वो इस्तीफा देने पर मजबूर हो गया। मजे की बात यह है कि वेटर ये केस जीत गया और अब बॉस को अपनी बचकानी हरकत के लिए वेटर को मुआवजा देना पड़ा। ऐसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 14, पत्रिका वेबसाइट के अनुसार राजस्थान के जोधपुर में एक ऐसा समुदाय रहता है जहां अगर लड़कों की शादी में देरी होती है, तो फिर शादीशुदा महिलाएं इन लड़कों की पिटाई करती हैं। इस समुदाय के लोगों का मानना है कि शादीशुदा महिलाओं से मार खाने के बाद कुंवारे लड़कों की शादी जल्दी हो जाती है, और इसी मान्यता को मानते हुए बेचारे कुंवारे लड़के शादी की उम्मीद में हंसते हंसते लाठी डंडे की मार खा लेते हैं। अगर आप भी कुंवारे हो तो भाई आप भी जोधपुर चले जाओ, क्या पता आपकी किस्मत भी खुल जाए। नंबर 13, इसराइल से एक ऐसी चौंका देने वाली घटना सामने आई जिसमें दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली गिलबोआ जेल से 6 कैदी मात्र एक चम्मच की मदद से भागने में कामयाब हो गए। ये सभी फलस्तीनी कैदी थे। इन सभी ने मिलकर बाथरूम के सिंक के नीचे एक चम्मच की मदद से ही सुरंग खोदनी शुरू की, और फिर ये सभी कैदी इस सुरंग के रास्ते भागने में कामयाब हो गए। इसे जेल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ बिना इजाजत एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, पर यहाँ से 6 कैदियों का इस तरह से भाग जाना पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। नंबर 12, वैज्ञानिकों ने जब पहली बार डक बिल्ड प्लेटी बस नाम के इस जानवर की खोज की थी, तो तब जब यूरोप के वैज्ञानिकों को इसकी खबर मिली, तो उनका कहना था कि बतख की तरह चोंच, बीवर की तरह पूंछ, ओटर की तरह पैर, सांप की तरह जहरीला, एक स्तनधारी और वो भी अंडे देने वाला, यानी ये एक ऐसा जानवर है जो अफवाह तो है ही, साथ ही इस अफवाह को जन्म देने वाले इंसान ने भी काफी मेहनत की होगी। जब वैज्ञानिकों का ये हाल था, तो तब सोचे कि आम इंसानों को इस पर यकीन करने में कितना वक्त लगा होगा। नंबर 11, दोस्तों क्या आपने पैरासाइट प्लांट के बारे में सुना है? साउथर्न अफ्रीका में पाया जाने वाला जैकाल
फूड पैरासाइट प्लांट है जो सर्वाइविंग के लिए पूरी तरह से दूसरे पेड़ों की जड़ों पर निर्भर रहता है। इस पौधे में ना तो पत्ते और न ही तना होता है। ये पौधा पूरी तरह से अंडरग्राउंड ही विकसित होता है और सिर्फ इसके फूल बाहर निकलते हैं। इसके फूल दिखने में खूबसूरत लगते हैं लेकिन इसकी स्मेल काफी गंदी होती है। जैकल फूड फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करते और ये वाटर एंड न्यूट्रिशंस दूसरे पेड़ों की जड़ों से ही हासिल करते हैं। नंबर 10। दोस्तों आप सबने गजनी फिल्म तो देखी होगी जिसमें आमिर खान का कैरेक्टर हर 15 मिनट में अपनी याददाश्त खो देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में रियल में भी एक ऐसी लड़की है जो हर 2 घंटे बाद अपनी याददाश्त खो देती है। इस लड़की का नाम रिले हॉर्नर है। 11 जून 2019 को एक क्लासमेट की गलती से 16 साल की रिले के सिर में चोट लग गई। रिले इस चोट से उभर गई लेकिन उनकी याददाश्त हर 2 घंटे में रीसेट होने लगी। गजनी की तरह ही रिले भी अपने साथ कैमरा, फोटो और एक नोट रखती है। रिले अपने मोबाइल में 2 घंटे का अलार्म लगाती है और अलार्म बजते ही वो फोटो और नोट की हुई बातों को देखती है जिससे वो उन चीजों को फिर से अगले 2 घंटे के लिए याद रख सके। नंबर 9। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में अनाथ बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर ये सभी बच्चे एक जगह होते तो इनकी पूरी आबादी दुनिया के सभी देशों की आबादी की लिस्ट में 9वें नंबर पर होती। यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में लगभग 153 मिलियन अनाथ बच्चे हैं। इनमें से अकेले 20 मिलियन अनाथ बच्चे हमारे देश में ही है। नंबर 8। बहुत से लोगों को तीखा खाना पसंद होता है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साइंटिफिकली तीखापन कोई टेस्ट नहीं बल्कि सेंसेशन ऑफ पेन यानी दर्द का एहसास है। आपको बता दें कि दुनिया में सिर्फ इंसान ही इकलौता ऐसा प्राणी है जिसे तीखा खाना पसंद होता है। नंबर 7। दोस्तों क्या आपने दिल के आकार वाले फूल देखे हैं? दिल के आकार वाले इस फूल का नाम ब्लीडिंग हार्ट है। इस फूल का बाहरी हिस्सा गुलाबी और अंदर का हिस्सा सफेद रंग का होता है। इस फूल के नीचे बूंद जैसी एक आकृति बनी होती है जिसकी तुलना खून की बूंद से ही की गई है। इसी कारण इसे ब्लीडिंग हार्ट नाम दिया गया है। अनफॉर्चुनेटली इस शानदार फूल में कुछ टॉक्सिन्स भी पाए जाते हैं जो स्किन इरिटेशन की वजह बन सकता है। वैसे जहर भरा यह दिल आपके एक्स के लिए परफेक्ट होगा। नंबर 6। आपने मशहूर फिल्म टाइटैनिक तो देखी ही होगी लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म को बनाने में जितना खर्च आया था उसमें टाइटैनिक जैसे 28 जहाज बन जाते। आपको बता दें कि एक टाइटैनिक शिप बनाने में $7 मिलियन का खर्च आया जबकि टाइटैनिक मूवी बनाने में $200 मिलियन का खर्च आया। नंबर 5। जब अमेरिकन सीरियल किलर रेडनी अल्काना के गुनाहों का भंडाफोड़ हुआ तो ट्रायल शुरू हुआ तो तब अदालत में ये खुद भी अपना वकील बना था। मजे की बात यह है कि ये खुद अपनी आवाज बदल कर खुद से ही सवाल करता था और फिर नॉर्मल आवाज में अपने सवालों का जवाब देता था। 8 हत्या और बलात्कार का आरोप साबित होने के बाद इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसी साल जुलाई महीने में 77 साल की उम्र में इसकी मौत हो गई। नंबर 4। 1976 में जब अमेरिकन सिंगर पॉल सीमन को बेस्ट एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला तो तब उन्होंने सिंगर स्टीव वॉन्डर को इस साल अपना एल्बम रिलीज न करने के लिए थैंक यू कहा क्योंकि अगर स्टीव इस साल भी अपना एल्बम रिलीज कर देते तो फिर पॉल को इस बार भी ये अवार्ड नहीं मिल पाता। वर्ष 1976 से पहले लगातार 2 सालों तक स्टीव ने ये अवार्ड अपने नाम किया और जब उन्होंने साल 1977 में अपना एल्बम रिलीज किया देन अगेन वो इस साल भी ग्रैमी अवार्ड जीतने में कामयाब रहे। नंबर 3। जेनी जॉय नाम की इस महिला ने अपने बॉयफ्रेंड को जिस तरीके से लूटा है उसे जानकर आप इस महिला के चालाकी की तारीफ करेंगे। वहीं बेचारे बॉयफ्रेंड के लिए आपको अफसोस होगा। जेनी जॉय लगभग 1 साल से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। जिस घर में ये दोनों रहते हैं उसका किराया समेत सभी बिल्स उसका बॉयफ्रेंड ही भरता है। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये घर खुद जेनी जॉय का ही है। इसने अपने बॉयफ्रेंड से पैसे ऐंठने के लिए झूठ बोला कि वो किराए के घर में रह रही है। किसी फिल्म में सच कहा गया है कि स्त्री है कुछ भी कर सकती है। नंबर 2। रूस के रहने वाले 32 साल के ओलेग स्वीरीडोव नाम के एक वहशी दरिंदे ने अपने दोस्त याचिस्लाव की 8 साल की बेटी का बलात्कार किया और उसकी वीडियो भी बना ली। याचिस्लाव ने जब अपने दोस्त के मोबाइल में ये वीडियो देखा तो तब उस पिता ने उस दरिंदे की हत्या कर दी। याचिस्लाव को गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन पूरे रूस के लोग याचिस्लाव के समर्थन में आकर उसकी रिहाई की मांग करने लगे और अब पुलिस ने भी उसे रिहा कर दिया। हालांकि उसे 2 महीने तक घर में नजर बंद रखा गया। पुलिस को उस दरिंदे के मोबाइल में और भी कई बच्चियों के वीडियो मिले। इसने अपने पार्टनर की बेटी के साथ भी ऐसी ही दरिंदगी की थी। सलाम है उस पिता को जिसने इस दरिंदे को मारकर दूसरी मासूम बच्चियों को बचा लिया। नंबर 1। ब्रिटेन में कंपनी को अपनी एक महिला कर्मचारी को दिन में 1 घंटे पहले छुट्टी ना देने का खामियाजा ऐसा भुगतना पड़ा कि उसे अपने कर्मचारी को 2 करोड़ रुपए देने पड़ गए। एलिस थॉमसन नाम की महिला मैनोर्स स्टेट कंपनी में सेल्स मैनेजर थी। उनकी एक छोटी बच्ची थी जिसे वो चाइल्ड केयर में छोड़ कर आती थी। चाइल्ड केयर 5 बजे ही बंद हो जाता था जबकि एलिस की नौकरी 6 बजे तक थी। तो तब एलिस ने बच्चे की खातिर अपने बॉस से 1 घंटे पहले छुट्टी देने की मांग की लेकिन बॉस ने मना कर दिया जिसके बाद एलिस को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी लेकिन वो अपने इस मामले को एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल में ले गई। एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल ने एलिस के हक में फैसला सुनाते हुए कंपनी को आदेश दिया कि वो इस महिला को 2 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दे। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे जबरदस्त लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।